महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1967 जनवरी माह की बात है। मेरे डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया परीक्षाएं थीं। भारतवर्ष में कई हजार परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत विभिन्न प्रदेशों में 5 से लेकर 10-12 तक ही हुआ करता था और उत्तर प्रदेश में तो केवल 4-5% ही। मेहनत पढ़ाई तो विशेष की थी नहीं, मैंने अधिकतर सोया पड़ा ही रहता था। 43 वर्ष की उम्र में क्या पढ़ाई होती है, पहला ही पर्चा बिगड़ चुका था। मैंने आगे परीक्षा देना उचित ना समझा, पर साथ के लोगों ने कहा फेल तो होना ही है, आगे के लिए कुछ अनुभव तो हो जाएगा। घर लौट रहा था कि राह में दादा के घर मुख्य द्वार पर से उसी वक्त श्री माँ निकलती दिखाई दे गईं। अरे महाराज जी आ गए हैं। तत्काल अंदर गया, महाराज जी को प्रणाम करते करते अपनी कलम पेंसिल उनके श्री चरणों में रख दी। इम्तहान दे रहा है, बाबा बोले। प्रश्न हुआ, हाँ महाराज, पर आज का पहला पर्चा ही ठीक नहीं हुआ, बोले पास हो जाएगा। कुछ देर बैठकर घर गया आगे के पर्चों हेतु पढ़ाई करने। बीच में 3 दिन के अवकाश की अवधि थी, 2 दिन तो किसी तरह खेलकूद में कट गए, पर तीसरे दिन नहीं रहा गया तो सुबह ही जा पहुंचा बाबा जी के श्री चरणों में। दादा के घर की छत पर धूप ले रहे थे सरकार, एक कुर्सी पर बैठे हुए पीठ टेके, पीछे हीरा लाल साहा खड़े थे। मैं प्रणाम करते ही रो उठा, आंसू तो किसी के भी देख नहीं सकते थे। महाराज जी तुरंत बोले, क्या बात है, क्यों रो रहा है। मैंने कहा, महाराज जी पास होने की विशेष इच्छा तो कभी रही नहीं, पिछले 20 वर्षों में कोई प्रयास किया नहीं, अब इस उम्र में फेल हो गया तो अपने लड़कों से कैसे कहूँगा कि तुम फेल मत होना। मेरी बात सुनते ही महाराज जी जो अब तक पीठ टेके बैठे थे तन कर बैठ गए और जोर देकर बोले, जा पास हो जाएगा, हमने कह दिया। पर दीनहीन को अपनी दशा देखकर विश्वास कैसे होता। आंसू बहते रहे, महाराज जी का मुंह निहारते रहे। तभी हीरा लाल जी ने डांट लगाई कि बाबा जी कह तो रहे हैं पास हो जाएगा, अब तुम जाओ। चला आया घर को चुपचाप। दूसरे दिन इम्तहान के लिए जाते समय राह में पढ़ते दादा के घर दर्शन करने जाने को मन हुआ, पर दादा ने कहा अभी अंदर मत जाओ, बाबा जी प्रसाद पा रहे हैं। मुझे देर हो रही थी, दादा की सुन जैसे ही जाने को हुआ तो भीतर से महाराज जी की आवाज़ आई, कौन है दादा, आने दो उसको। अंदर गया, प्रणाम किया, बाबा जी फिर बोले जा पास हो जाएगा, सुनकर चला गया परीक्षा हेतु। परंतु उस दिन तो और विचित्र खेल हो गया। जिस पर्चे में 40% अंक लाना अनिवार्य होता है उसी पर्चे में 5 से 3.5 प्रश्न बुरी तरह बिगड़ गए। यद्यपि अपराहन का पर्चा अच्छा हो गया, मन मार कर घर चला आया। दादा के घर महाराज जी भी नहीं मिले, लगा भाग्य का निर्णय हो गया है। दूसरे दिन परीक्षा हेतु जाते वक्त पुनः बाबा जी के दर्शन को गया, आज सीधे भीतर चला गया। महाराज जी भोग पा रहे थे कल की तरह, प्रणाम किया, कल कैसा पर्चा हुआ, प्रश्न हुआ, वर बस मुंह से निकल गया बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी वो तो होता ही, हमने कह दिया। पुनः प्रणाम कर जब बाहर फाटक तक पहुंचा तो होश आया, अरे मूर्ख, महाराज जी से कह तो देता, असली बात शायद कुछ कर ही देते, पर अवसर चूक गया था। फिर भी
बिना मेरे विश्वास के उस दिन के दोनों पर्चे अप्रत्याशित रूप से अच्छे हो गए। शाम को पुनः महाराज जी के दर्शन कर रात की गाड़ी से लखनऊ चला गया ससुराल में एक विवाह में शामिल होने। 3-4 दिन बाद लौटा तो महाराज जी इलाहाबाद छोड़ चुके थे। बाद में अपने पर्चों की समीक्षा पुनरीक्षण किया, फिर किया, पास होने का प्रश्न ही नहीं था। बाबा जी बाबला बनाकर चले गए हैं मुझे। अप्रैल अंत में परीक्षा फल घोषित हुआ। सफल परीक्षाओं में मेरा पहला ही नाम था। घर आकर महाराज जी के चित्र के आगे खूब लोट लोट कर रोया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम।